आज हम बनाने वाले हैं राजमा। राजमा में सबसे पहले आप राजमा को बॉईल कर लेंगे, तीन सीटी मार के राजमा को बॉईल करेंगे। फिर आप कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालेंगे आप, बहुत इजी है राजमा बनाना। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 मिर्ची, ये मैंने पेस्ट बना के रेडी करा हुआ था। इसमें है टमाटो, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर, और एक हरी मिर्ची है, ये आप इसमें डाल देंगे। अभी हम इसको कुक होने देंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा इसको हम कुक होने देंगे। भूनते भूनते हमारा मसाला थोड़ा सा तेल छोड़ने लगा है, अभी इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ये मैगी का जो मैजिक मसाला आता है मैं यूज़ करती हूँ, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हमारे जो बॉईल करे हुए राजमा था उस राजमा को हम इसमें पलट देंगे। राजमा हमारा ऑलरेडी कुक्ड है क्योंकि हमने उसको बॉईल करा हुआ है, बस हमको इस ग्रेवी को पकाना है। इसको बॉईल होने देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको अगर थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप कम डालेंगे पानी, अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा रसा वाला चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे पानी। बस जैसे यहाँ पे मुझे पानी ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे स्लो करके। अब ये राजमा हमारा 5 मिनट्स बॉईल हो चुका है।
उसमें हम डाल देंगे धनिया, और ये हमारा राजमा बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।